सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज मैंने बनाया है बहुत ही यमी और हेल्दी वाला नाश्ता, जो बना है मूंगफली से। मूंगफली का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ रहा है और ये एकदम गर्मियों के लिए बेस्ट रेसिपी है, बिना तेल की रेसिपी। तो चलिए, मैं आज आपके साथ यही वाली रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए ले रही हूँ मैं ये 1.5 कटोरी कच्ची वाली मूंगफली ली है मैंने। मैं ये 3 लोगों के लिए बना रही हूँ। और पहले मूंगफली को हम बहुत अच्छे से पानी से धो लेंगे और इसको सो करके रख देंगे। मेरे को मॉर्निंग में नाश्ता बनाना है, तो ये रात में ही मैंने सो करके मूंगफली रख दी है। और एक बात और, मूंगफली को आप जब सो करेंगे तो जितनी मूंगफली आप सो करेंगे वो उतनी की उतनी ही रहेगी फूल करके, वो ज़्यादा नहीं होगी। वो जित देखिए, मैंने जितनी भिगोई थी ये उतनी ही है, तो आप अपने हिसाब से अंदाज से भिगोइएगा। और अब इसको करना है हमने प्रेशर कुक, तो सिर्फ 2 ही सीटी इसको मैं प्रेशर कुकर में दूंगी और ये बड़े आराम से गल जाएगी, पक जाएगी। और ये मैंने कर ली मूंगफली बॉयल और इसका पानी अब मैं कर दूंगी ड्रेन। देखिए, सिर्फ 2 सीटी देने से ही अच्छे से पक चुकी है मूंगफली। अब मैंने इसका पानी ड्रेन कर दिया है और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा हो गई है मूंगफली, तो अब जितनी हमें यूज़ करनी है उतनी मूंगफली हम मिक्स कर सकते हैं। इसे खाते समय ही मिक्स कीजिएगा। तो इसमें अब मैं डाली हूँ ये चॉप किए हुए प्याज और बहुत सारा मैं डालूंगी इसमें खीरा। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें, कम ज़्यादा या कोई सी भी चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं। हरी मिर्च डाल दी मैंने, कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं। और मसालों के नाम पे इसमें मैं सिर्फ डालूंगी काला नमक और भुना हुआ जीरा। सफ़ेद नमक का इस्तेमाल मैं इसमें नहीं कर रही हूँ, तो नाश्ता और भी हेल्दी हो जाएगा। और इसमें डाल देंगे नींबू का रस। आप इसमें डाल सकते हैं काटा हुआ पनीर या अपने पसंद के फल भी आप काट के इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वाला टेस्ट आता है इसके अंदर। नाश्ता हेल्दी भी है, यमी भी है। और बिल्कुल देखिए, हमने बिना तेल का ये नाश्ता तैयार किया है। गर्मियों में ये सब चीज़ें खाने में काफ़ी अच्छी लगती ही हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया हरा धनिया और थोड़े से मैं उबले हुए आलू भी इसमें ऐड कर रही हूँ। मैं भूल गई थी, थोड़ा बाद में ऐड कर रही हूँ। बस इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे और बहुत ही बढ़िया आलू का टेस्ट भी इसमें अच्छा लगता है। तो ये रेसिपी आपने कभी खाई है पहले बताइएगा मुझे। उबली हुई मूंगफली अगर तो आपने टेस्ट करी है तो आपको पता ही होगा कि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। और अगर नहीं खाई है तो खा करके ज़रूर देखिएगा, सच में आपको मज़ा आ जाएगा और ये रेसिपी आप फिर बार बार ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, एक नया सा स्वाद लेके आऊंगी आपके लिए।